जरा पता करो, चुनाव है क्या? 2019 का चुनाव याद है ना, जब पुलवामा हमला हुआ था? आज तक उसकी जांच चल ही रही है, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियां यह पता नहीं लगा पाई कि उस वैन में 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से था। उसी तरह यह नक्सली हमला भी ठीक चुनाव के बीच हुआ है, जिसमें हमारे देश के जांबाज जवानों ने अपनी शहादत दे दी। कल से सोशल मीडिया में प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक महीने पहले एक पत्रकार से वार्ता में कहा था कि देश में जो माहौल है उसके बाद बीजेपी इन राज्यों में चुनाव सिर्फ एक ही शर्त पर जीत सकती है, और वह है पैरामिलिट्री फोर्स पर आतंकी हमला। What according to you can change between now and the first phase of polling and the subsequent seven rounds which upsets your 100 seat mark? I'm saying if there is probability of 1%, if some paramilitary forces get attacked, something happens, that I can't foresee. But otherwise, in a normal circumstances, no matter what BJP does, no matter how good a player they are in slogovers, they were as good a player in slogovers in Delhi as well, I think the gap is too big for BJP now to fill. जब पुलवामा अटैक हुआ तब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी मंच पर चढ़कर किस प्रकार देश की सेना के नाम पर वोट मांगते थे, यह पूरे देश ने देखा। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद उन सेना के शहीद जवानों को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्याय दिला पाए? केंद्र की जो जांच एजेंसियां महज कुछ दिन में यह पता लगा ली कि अंबानी के घर के बाहर रखा विस्फोटक किसने रखा था, वह जांच एजेंसियां इतने साल बीत जाने के बाद यह पता नहीं लगा पाई कि पुलवामा हमले में जिस आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था वह कहां से आया था। यह देश की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इस बार देश को गहन विचार विमर्श करने की जरूरत है।